जब आप इंडिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं तो आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप उस जिम्मेदारी को संभाल लेते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं, और अगर आप उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाते तो ट्रोल मटेरियल बन जाते हैं, आपका मजाक उड़ता है। पिछले 2-3 दिन से टीम इंडिया के ऑलराउंडर और इस वक्त साइड लाइन किए जा चुके तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले और हैदराबाद के लिए आईपीएल खेलने वाले विजय शंकर पिछले 3-4 दिनों से अपने बयान को लेकर चर्चाओं में हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को तरजीह मिली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जो 3D ग्लासेस वाला जो अंबाती रायडू का ट्वीट था उसको उनमें कुछ भी गलत नहीं लगता और वो अंबाती रायडू का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। अब आज उन्होंने कह दिया कि जैक कालिस और शेन वॉटसन की तरह उनको भी ऊपर खेलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बल्लेबाजी को पहले भी साबित कर चुके हैं और वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं। नंबर 6 नंबर 7 के वो बल्लेबाज खुद को नहीं मानते तो शायद वो खुद को टॉप 3 में खेलते हुए देखते हैं। जिसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि विजय तुमको कुछ और नहीं मिला, किसी और से खुद को कंपैरिजन करना नहीं मिला तो सीधा जैक कालिस और शेन वॉटसन से कंपैरिजन कर बैठे। इसके बाद सोशल मीडिया पर विजय शंकर के खिलाफ मीम्स बनने लगे। मीम्स की बाढ़ आ गई कि विजय शंकर का दिमाग जो है हिल चुका है, वो खुद को शेन वॉटसन या जैक कालिस समझ रहे हैं। किसी ने तो कह दिया कि अब विजय शंकर CSK की टीम में जाएंगे और शेन वॉटसन वाली भूमिका निभाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, विजय शंकर को इस वक्त ध्यान देना चाहिए अपने खेल पे और वापसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर वो ज़्यादा इस तरह के उनके बयान बाहर आते रहेंगे तो इससे उनकी ना सिर्फ छवि को नुकसान है बल्कि सेलेक्टर्स की नज़रों में भी जो उनकी इमेज है वो डाउन होगी। अगर अपने बल्ले से जवाब देंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर विजय शंकर को लगता है वो बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं तो उनको डोमेस्टिक में अपने टीम मैनेजमेंट को कन्फेस करना चाहिए, अपने टीम मैनेजमेंट को समझाना चाहिए कि जी मुझे ऊपर बल्लेबाजी करवाई जाए। अगर वो करवाएं और वहाँ पर विजय शंकर साबित कर दे तो फिर दिक्कत ही क्या है। अगर वहाँ पर अच्छा खेलेंगे तो इंडिया में भी मौका मिलेगा। लेकिन इस तरह से बयानबाजी से कुछ नहीं होना। बयानबाजी तो एक गली में बैठा कोई लड़का भी कर सकता है जिसने कभी बैट भी ना पकड़ा हो कि जी मुझे नंबर 3 पे खिलाओ, मैं खुद को साबित करूँगा। टीम इंडिया में ऐसे किसी को नंबर 3 पे नहीं खिलाया जाता, पहले आपको डोमेस्टिक में खुद को साबित करना होता है। यकीनन विजय शंकर ने अच्छा प्रदर्शन किया विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन जब एक बार सेलेक्टर सोच लेते हैं कि इस वक्त हमें इस खिलाड़ी को पिक नहीं करना तो कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, जब तक उसका प्रदर्शन एकदम अचंभित ना कर दे, एकदम सख्ते में ना डाल दे कि इतना अच्छा प्रदर्शन इसने कर कैसे दिया, तब तक उसकी वापसी नहीं होती। और विजय शंकर ने नॉर्मल से अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि उनकी अचानक से वापसी हो जाती। हालांकि ये बात विजय शंकर ने सही कही, उन्होंने एज अ बैट्समैन खुद को साबित किया था। न्यूजीलैंड में उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी जिसके बाद उम्मीद थी कि उनको लॉन्ग रन मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया ट्रोलिंग की वजह से उनको अपना करियर भी गंवाना पड़ा। वो चाहते हैं वापस से वापसी हो उनके इंडिया की टीम में, लेकिन हम सभी जानते हैं ये राह इतनी आसान नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने लगते हैं फिर तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि एक बात साफ है, अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात होगी तो हार्दिक पांड्या के बाद उन्हीं को मौका मिलेगा, क्योंकि शिवम दुबे में वो दमखम नहीं दिखता, ना ही गेंदबाजी में ना ही बल्लेबाजी में। तो चलिए दोस्तों, मैं चेनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।